हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एलसीएम और एससीएफ चैप्टर पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है? एलसीएम एंड एससीएफ। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से दिखता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इसको बिल्कुल हम लोग सरल भाषा में समझेंगे चीज़ों को और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, कैसे मात्रा ज्ञात करते हैं, कैसे संख्याओं का लासा ज्ञात करते हैं और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम लोग टाइप वाइज करके देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग मात्रा को पढ़ेंगे। जब हमारा पूरा एचसीएफ मतलब लीस्ट कॉमन फैक्ट, ठीक है ना, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे। मतलब ठीक है ना, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, ये फैक्टर होता है वो मल्टीपल होता है, दोनों में क्या अंतर होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से एचसीएफ सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने कहा एचसीएफ ठीक है ना, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ निकाला कैसे जाए। देखो, जो संख्याओं का मासा होता है, जो संख्याओं का मासा होता है वो अपनी संख्या को सदैव पूरा पूरा काटता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ हमारे पास है 8 और हमारे पास है 12, हम कहें इनका आप हमें एचसीएफ बताओ, इनका एचसीएफ बताओ, तो आप क्या कहोगे, इनका एचसीएफ आप बोलोगे कितना आएगा, 4 आएगा। आप कहोगे 4 ही वह संख्या है जो सबसे बड़ी है, वो 8 और 12 दोनों काटेगी। इसका मतलब 4 से ये 8 भी कट जाएगा, ठीक, और 4 से ये 12 भी कट जाएगा। तो जो मासा होता है ना वो अपनी संख्या को सदैव पूरा पूरा काटता है, ठीक है ना, या सदैव पूरा पूरा विभाजित करता है। तो ये बात है, ठीक। और जो संख्याओं का मासा निकालने के पश्चात जो संख्याएं बचती हैं, जैसे हमने कहा 8 और 12, ठीक है ना, हमने क्या बोला था एग्जांपल 8 और 12, इनका मासा आपने क्या कहा, आपने कहा इनका मासा 4 हो जाएगा, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में। अब देखो, मासा ज्ञात करने के बाद जो संख्याएं बची हैं ये 2 और 3, ये आपस में हमेशा सह अभाज्य होंगी। सह अभाज्य का क्या मतलब है, इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। अगर कोई संख्या कॉमन होगी तो केवल केवल क्या होगा, एक होगा, उसके अलावा इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, ठीक है ना। तो मासा की खासियत होती है, जब संख्याओं का मासा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो मासा ज्ञात करने के पश्चात जो बचता है वो आपस में सह अभाज्य होता है, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, किसके अलावा, सिवाय एक के अलावा, ठीक है ना। तो ये बात है, आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या अगर कोई है तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, एक होता है। तो ऐसे जो भी चीज़ें जिनकी भी ज़रूरत पड़ती रहेंगी उनको हम बताते रहेंगे। आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 368 और क्या है 437 का, हमें क्या बताना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। 368 एंड 437 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनका मासा देखो कई तरीके से बात हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके मासा ज्ञात करने का, ठीक है ना। तो इसका आप लोग मासा निकालो 368, ठीक, और 437। देखो अगर हम भाग विधि की बात करें, आइए एक बार भाग विधि से भी समझ लेते हैं। मासा का एक फैक्टर मेथड होता है जिसको हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं, एक भाग विधि होता है। तो भाग विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे हमें भाग विधि से ही काम करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले भाग विधि को सीखते हैं। भाग विधि में होता क्या है, जो नंबर हमारा छोटा होता है, जैसे हमारा 368 छोटा है, उससे भाग देते हैं अपने बड़े वाले नंबर में 437 में। हमने कहा जो नंबर हमारा छोटा होगा उससे भाग देंगे अपने बड़े वाले नंबर में। चलिए इसका डिवाइजेशन कितना बार होगा, एक बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, तो 368 का भाग इसमें एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 368, ठीक है ना। अब जिनको माइनस कर लो, भाग देने का नियम, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे बचा 12, 12 में से 6 गया 6, 69 आ गया। अब 69 जो हमारा जो शेष बचता है, यहाँ पे 0 बचेगा, 3 बचा, 3 में 3 का 0, जो हमारा शेष बचता है उससे हम लोग भाग करते हैं किसमें, जो हमारा पहला वाला भाजक होता है, जिससे जो हमारा क्या है 368 है, ठीक है ना, 368। अब 368 में भाग करेंगे 69 से, तो 69 का भाग देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा आराम से, ठीक, 5 बार चला जाएगा। तो 9 5 45 के 5, 8 4 और 5 6 30 और 4
34 आ गया कितना 345 माइनस कर लो 5 में 8 में से 5 गया 3 और यहाँ 6 में से 4 गया 2 23 आ गया। अब फिर इसका भाग किस में करेंगे 69 में, फिर इससे भाग किस में करेंगे 69 में। हमने क्या कहा कि ये जो हमारा शेष बचता रहता है उससे हम लोग भाग देते रहते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं पहले। देखो पहले हमने इससे भाग दिया था तो हमारा शेष ये बचा, अब इसमें भाग दिए यहाँ ला के इस शेष से, अब हमारा शेष ये बचा, अब इस 69 को यहाँ लेके आएंगे इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ये चलता। अब 23 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 23 यहाँ कितना 69। अब देखो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब सबसे लास्ट में जिससे संख्या पूरी पूरी कट जाए, सबसे लास्ट में जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए वही क्या होता है, वही हमारा आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा 23 से सबसे लास्ट में पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब इनका जो एस सी एफ आया वो कितना आया 23, ठीक है ना। 23 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, बात समझ में आई। 23 हमारा क्या होगा, यहाँ पे इनका मासा हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा भाग विधि, भाग विधि था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जैसे यहाँ इन सब क्वेश्चन में आपको देखने पे जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि किससे ये कट जाएगा, जब आपको ना समझ में आए जल्दी से ना तो आप भाग विधि ही लगा दिया करो, क्योंकि वही आसान पड़ता है फिर। ओके चले आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर। देखो सेकंड में क्या कहा है, सेकंड में कहा गया है कि 84, 126, 140 का मासा ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं गुणनखंड, भाग विधि आप लोगों ने देख लिया, अब इस क्वेश्चन को हम लोग हाँ गुणनखंड विधि से देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो विधि ये है कि जैसे हम लोग हाँ 5-6 में 7 में करते आए हैं 84, 126 और 140, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से सबसे छोटी संख्या से, फिर हम हमेशा छोटी संख्या से ही काटने की कोशिश करते हैं, ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, देख लो 2 से तो सारी चीज़ें कट जाएंगी ना, 2 से सब कट जाएगा, आप 2 से काट लो। हम 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, और 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, और 2 से ये 7 बार में। अब देखो 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, काट लो 7 से, काट दो 6 बार में, 7 से ये कटा 9 बार में, और 7 से कटाइए कितनी बार में, 10 बार में। अब देखो क्या अब कोई ऐसी संख्या है जिनसे 3 की तीनों कट जाएंगी, अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे 6, 9, 10 तीनों कट जाए। और अगर ऐसी संख्या नहीं है तो हम अब आगे मासा नहीं ज्ञात करेंगे, तो हमारा मासा क्या आ जाएगा, 2×7, 2×7 बराबर क्या 14 हो गया हमारा एस सी एफ, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, किसका 84, 126 और 140 का मासा कितना हमारा आ गया, 14 आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चले इन सब का देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्रचलित हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इनको हम लोग देखते हैं, चलिए इसको बताइए। ये आपका दिया गया है 14/33 और अगला है 42/55 और अगला आपका दिया है 21/22, ठीक है ना। इसका हमें एस सी एफ बताना है, का एस सी एफ, का एस सी एफ, ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए आप लोग फटाफट इसका बताएं। देखो इसका जब बटे में कोई चीज होता है उसका हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि संख्या अगर सरल हो रही है, अगर ऐसी कोई संख्या जिनसे ऊपर नीचे कट रहा है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि संख्या को काट लेना है, मतलब सरल कर लेना है, ठीक। पहला स्टेप आपका क्या होगा, अगर कोई चीज बटे में होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ऐसी कोई संख्या है जो ऊपर नीचे किसी संख्या से कट रहा है, दोनों अंतर नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा है तो आगे अगले स्टेप पे आएंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि देखो जब कोई चीज बटे में होता है अगर उसका हमें मासा ज्ञात करना है तो होता क्या है, अंश का मासा, अंश का मासा बटा हर का लासा, ठीक है ना। हमने क्या बताया, जब ऐसी संख्याओं का हमें एस सी एफ ज्ञात करना होगा जो बटे में दिया होगा तो हमारा होता क्या है, एस सी एफ अंश का मासा। अगर मासा निकालना होता है तो अंश का मासा बटे हर का लासा, लेकिन अगर इन्हीं संख्याओं का लासा निकालना हो तो अंश का लासा बटे हर का मासा।
जो निकालना होगा वो ऊपर होगा, बाकी उसके विपरीत नीचे होगा। जैसे यहाँ माथा निकालना है तो अंश का माथा बटे हर का लासा, अगर यहाँ पे लासा निकालना होता तो अंश का लासा बटे हर का मासा हो जाता। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही। चलो यहाँ हमें मासा निकालना है HCF, तो हमने कहा कि अंश का मासा, अंश का मासा मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 14, 42 और 21 को पूरा पूरा काटे, तो क्या वो संख्या 7 है? 7 से 14 भी कट जाएगा, 7 से 42 भी कट जाएगा और 7 से 21 भी कट जाएगा, मतलब अंश का मासा कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7। और बटा हर का लासा, लासा मतलब ऐसी संख्या जो अपनी सभी संख्याओं से पूरा पूरा कटे। मासा जो होता है वो काटने वाली संख्या होती है और लासा जो होता है वो कटने वाली संख्या होती है। मासा और लासा में सबसे बड़ा अंतर यही है। हमने कहा मासा जो होती है संख्याओं का, अपनी संख्याओं को पूरा पूरा काटती है, और लासा जो होता है वो अपनी संख्याओं से पूरा पूरा कटता है। लासा कटने वाला है और मासा क्या है? काटने वाला है। चलिए, तो मासा हमने 7 निकाला, देखो 7 अपनी संख्याओं को पूरा पूरा काट देगा सबको, ठीक है, और बड़े से बड़ा नंबर भी है, ठीक है ना। अब लासा, इनका लासा कितना हो जाएगा? तो इनका हमें निकालना पड़ेगा हर का LCM। हर का LCM क्या हो जाएगा? देखो 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा, तो सबसे पहले तो आया 11 गुणे 11 के बाद यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 2। 11 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनका हर का लासा। तो क्या आ गया? 7 बटा 5 दूनी 10 और 11 तीन 33, 330। 7 बटा 330 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा। तो इनका हमने क्या कहा? इनका हम लोगों ने मासा निकाला तो कितना आ गया? 7 बटा 330, ठीक है ना। बात क्लियर? 7 बटा 330 आ गया। चलिए इसको आप लोग नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको आप लोग नोट करें, देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं इस चीज़ को कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। एक बार इनको फिर से देखें, कहा गया है कि 14 बटे 33, 42 बटा 55 और 21 बटा 22 का मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इनका हमें मासा ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने देखा कि जब इनका मासा ज्ञात करते हैं बटे वाली संख्याओं का, तो हमारा होता क्या है कि अंश का मासा ज्ञात करते हैं और हर का लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो अंश का मासा 7 आया, हर का लासा 330 आया, तो यही हमारा 7 बटा 330 क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलें अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला है, 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? अब देखो 1.75 का क्या मतलब है, 1.75। अगर हम इसको इतना लिख दें तो नीचे हमें 1 लिख के 00 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव काटेंगे तो नीचे हम लोग 2 जीरो पढ़ा देंगे कॉमा। ये 5 और अगर इसको 6 कर लें, एक अंक बाद दशमलव लगा था, तो हम नीचे 10 से भाग कर सकते हैं, हो जाएगा। और अगला था आपका 7, तो ये हो गया 7, या हम इसको कहें 7/1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हमने कहा अगर ये सरल हो रहा होगा तो सबसे पहले इसको हम लोग सरल कर लेंगे, काट लेंगे। तो देखो ये कट रहा है 25 से, ये कट जाएगा 25 से कितनी बार में? 25 से 7 बार में, और 25 से ये कटा 4 बार में, ये 2 से कटा कितनी बार में? 28 बार में, और ये 2 से कटा 5 बार में। तो आपका क्या बना? 7/4 कॉमा 28/5 कॉमा 7/1। अब क्या हो जाएगा? इनका हमें क्या निकालना है? HCF का हमें क्या निकालना है? HCF। तो बराबर क्या हो जाएगा? अंश का मासा, अंश का मासा कितना? 7/28, 7 का मासा, हमें मासा निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में हो, तो 7 ही है वो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में है, ठीक है ना। तो मासा क्या हो जाएगा? अंश का 7 और बटे हर का लासा होता, हर का लासा कितना हो जाएगा? 4×5=20। हर का लासा कितना आ गया? तो ये हमारा 7/20 जो होगा हमारा आंसर बन जाएगा, क्या? 7/20, ठीक है ना। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इस सवाल को देखें, देखें यहाँ पे क्या बोला है। कहा है यदि P बराबर 2^3 गुणे 3/10 गुणे 5 तथा Q
बराबर 2 पे घात 5 गुणे 3 पे घात कुछ नहीं है मतलब 1 गुणे 7 पे घात कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी क्या है घात 1। अब देखो इनका हमें P और Q का HCF ज्ञात करना है, P कॉमा Q का HCF, HCF ज्ञात करना है। तो देखो HCF मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में, हाईएस्ट, ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों में हो, ठीक है ना। मतलब ऐसी संख्या जैसे हम अगर सबसे पहले हम देखो ऐसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं 2 की। तो 2 पे हम लोग देखेंगे कि दोनों में हम लोग देखेंगे ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, ये P है हमारा ये Q है, क्योंकि हमें मासा चाहिए। तो मासा हम ऐसा संख्या नहीं लेंगे कि जो अपनी संख्या को पूरा पूरा काट ही ना पाए। जैसे अगर हम कहें कि 2 पे घात 3 2 पे घात 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 2 पे घात 3 लेंगे। अब 2 पे घात 3 क्यों लेंगे, क्योंकि अगर 2 पे घात 5 ले लेंगे तो 2 पे घात 5 या 2 पे घात 3 से को पूरा पूरा काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। लेकिन 2 पे घात 3 से जब 2 पे घात 5 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना। 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात क्या आएगा 3 पे घात 1 गुणे बस। अब जो चीज़ दोनों में होता है उसी को हम लोग लेते हैं, मासा में क्या होता है जो चीज़ दोनों में होता है उसी को लेते हैं, और लासा में क्या होता है कम से कम हर चीज़ हमें एक बार जरूर लेना होता है, अगर एक में है तो भी एक बार लेंगे, अगर दोनों में है तो भी लेंगे। यहाँ पे लासा हमें बताना था तो यहाँ देखा 2 दोनों में था, लेकिन जिस पे घात छोटी होती है वही हम ले लेते हैं, 3 दोनों में था, जिस पे घात छोटा होगा वही ले लेंगे। अब ये 5 और 7 अलग अलग है तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना, मासा मतलब यही होता है, ठीक। चलिए अब बताओ 2 पे घात 3 मतलब कितना 8, और 8 और 3 का गुणा कितना 24, तो यहाँ से HCF कितना आ गया हमारा 24, ठीक है ना, कितना आ गया 24 आ गया, ठीक। चलिए ये हो गया, आगे यहाँ देखें, अच्छा ये 6वां क्वेश्चन देखें फिर 7वां देखते हैं। सबसे पहले 6वां क्वेश्चन को देखो, ये हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन, ये 6वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखें। बोला है 5 पे घात 8 5 पे घात 4 5 पे घात 7 का मासा क्या होगा, 5 पे घात 8 कॉमा 5 पे घात 4 कॉमा 5 पे घात 7 का मासा। तो हमने कहा जिस पे घात सबसे छोटी वही ले लो, का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, का HCF जिस पे घात सबसे छोटी हो, तो 5 पे घात सबसे छोटी है ना, क्या 4, 4 ही सबसे छोटी घात है, तो यही 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5 पे घात 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। अब माइनस में दिया है 3 पे घात -8 3 पे घात -4 3 पे घात -8 3 पे घात -4 3 पे घात -12 इनका हमें बताना है HCF का HCF, ठीक है ना। देखो जब घात प्लस रहती थी तो हम लोग मासा में सबसे छोटा नंबर लेते थे, जिस पे घात सबसे कम होती थी वही हमारा आंसर हो जाता था, लेकिन जब घात माइनस में रहती है तो जिस पे घात सबसे बड़ा माइनस में लगा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है 3 पे घात -12 है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 3 पे घात -12 3 पे घात -12 इसको याद कर लो, और लासा में इसी का उल्टा होता है, जो मासा में नियम बता रहे हैं ना यही जब लासा में आएगा तो इसी का उल्टा करवा देंगे। जैसे मासा में हमने कहा अगर घात प्लस में रहता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो जो सबसे छोटा घात होता है वो हमारा आंसर हो जाता है, मासा 5 पे घात 4 था तो 5 पे घात 4 आंसर हो गया। लेकिन जब यही माइनस में लिखा होता है तो जब से जो सबसे बड़ा घात होता है तब वो हमारा आंसर होता है, जैसे यहाँ पे 5 पे घात -12 आंसर, यहाँ पे 5 पे घात 4 आंसर, बात समझ में आई। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये देखें 3 संख्याएं क्या बोला है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में तथा इनका मासा 12 है, तो ये संख्याएं हैं। चलिए 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये हैं 3 संख्याएं। अगर अनुपात में तो हम पहली संख्या मान लेते हैं 1x, दूसरी संख्या मान लेते हैं 2x और तीसरी संख्या मान लेते हैं 3x, ठीक है ना। पहली संख्या 1x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x। चलिए अब ये बताओ इन 3 संख्याओं का अगर हम HCF निकालें, मासा निकालें,
तो क्या आ जाएगा भाई, जो तीनों में हो, तीनों में क्या यक्ष है, तो माथा इनका क्या आ गया यक्ष, और यही इनका माथा दिया है कितना 12, तो मतलब यही यक्ष बराबर कितने के 12 के, देखो कुछ किए नहीं है, यही इनका हम लोगों ने तीनों का माथा निकाला यक्ष, और इन्हीं तीनों का माथा दिया है 12, मतलब यक्ष बराबर कितने के 12 के। अब यक्ष बराबर 12 आ गया तो ये संख्याएं हमें बताना था, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 12 गुणे 1 मतलब 12, दूसरी संख्या कितना 12 गुणे 2 मतलब 24, तीसरी संख्या कितना 12 गुणे 3 मतलब 36, मतलब 12 24 36 हमारी क्या थी संख्याएं थी। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो शानदार क्वेश्चन, 0 तथा 6 का माथा बताइए। 0 तथा 6 का माथा, अब आप ये बताओ हमें 0 और 6 का माथा बताना है, 0 और 6 का। चलिए आप इसमें क्या कॉमन करोगे, हमने कहा कि वो सबसे छोटा नंबर कॉमन करना है जो दोनों में हो, वही माथा होता है, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले हम छोटे नंबर को देखते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे ऐसे कॉमन करते रहते हैं। तो ये बताओ ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन है, तो आप अगर कहोगे 1 तो हम कहेंगे 1 0 में नहीं है, अगर कहोगे 0 तो हम कहेंगे 6 में नहीं है, ठीक है ना। बात समझिए, अगर ना तो आप इसमें 0 कॉमन कर सकते हो, ना तो 6 कॉमन कर सकते हो, ना तो 1 कॉमन कर सकते हो, इसमें आप परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे कि इसका माथा क्या है। बात समझिए, इसमें हम लोग परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहोगे 0 कॉमन करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे आपको 0 नहीं मिले, अगर आप 1 कॉमन करोगे तो 0 गुणे 1 0 हो जाता है, और 6 गुणे 1 6 ही होता है, तो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब, इसका हम लोग माथा जब ज्ञात करेंगे तो कहेंगे क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना। जहां भी 0 के साथ किसी संख्या का माथा आपको ज्ञात करना हो तो आप याद कर लो कि आपको लिखना है अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, आप लोग परिभाषित नहीं कर पाएंगे। चलिए तो इसको ध्यान रखना, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10, टाइप 2। देखो टाइप बदल गया है, टाइप हमारा चेंज हो चुका है, टाइप दूसरा आ चुका है। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे लगाया जाएगा, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे। दो संख्याओं का योगफल 480 है, इनका माथा 24 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कहा है बना लेते हैं, दो संख्याएं हम मानते हैं, संख्या हमारी एक यक्स थी और दूसरा वाई था, और इन्हीं दोनों का योगफल कितना था 480, ऐसा कहा गया है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, कहा गया है जबकि इन दोनों संख्याओं का माथा कितना है 24 है, इसका मतलब 24 से ये भी कटेगा और 24 से ये भी कटेगा। बात समझिए, इसका मतलब 24 इसमें भी होगा और 24 इसमें भी होगा, 24 दोनों में है। इसका मतलब हम अगर इसमें से 24 बाहर करें, जैसे सपोज दैट, हो सकता है ये वाली संख्या कितनी हो 48 हो सकता है ये संख्या कितनी हो 72 हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो हो सकता है अगर ये 48 होगा तो हम कहेंगे 24 इसमें भी है, मतलब इसको 24 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 24 इसमें भी है तो क्या इसको 24 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। भाई अगर इन दोनों का माथा तो 24 है ना, 48 और 72 का, तो हमने कहा 24 गुणे 2, इसको भी ऐसे 24 के साथ हिसाब से तोड़ सकते हैं, तो वैसे ही अगर यक्ष में 24 है तो इसको क्या हम जब तोड़ेंगे तो 24 गुणे ए हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं 24 गुणे ए हो गया, और वाई को तोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 24 गुणे बी हो गया, ठीक है ना। बात समझिए, 24 गुणे बी हो, क्योंकि हमने इसके माथा को जो 24 था 24 का फैक्टर बना दिया, इसको भी 24 का फैक्टर बना दिया, तो 24 गुणे ए आ गया, 24 गुणे बी आ गया, ठीक। चलिए इतना बात समझ गए, आइए अब देखते हैं, और यही बराबर कितना है 480 है। अब बताओ 24 इसमें भी है 24 इसमें भी है, हम 24 कॉमन कर लेंगे और उधर ले जाके काट देंगे, तो a प्लस बी आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 24 से इधर भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा, a प्लस बी हमारा कितना आ गया 20। और a प्लस बी है क्या, हमने कहा जब संख्याओं के माथा से संख्या को भाग देते हैं, मतलब इनका जो माथा था इसको हमने हटा लिया, तो अब जो ये संख्याएं a भी बची हैं, a भी जो इनके साथ आया है, ये आपस में हमेशा सह अभाज्य होंगे, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा एक के अलावा, आपस में क्या होंगे सह अभाज्य संख्याएं होंगी। इस बात को समझना, जैसे हमने 24 और 72 का एग्जाम्पल दिया था, 48 72 का एग्जाम्पल दिया था, तो हमने कहा ये 24 गुणे 2
और ये 24 गुणे 3। अब ये बताओ ये जो 2 और 3 आया था इनका मासा जब बाहर कर लिए थे तो क्या आपस में सहभाज्य नहीं है? बिल्कुल सहभाज्य है। सहभाज्य की परिभाषा यही है कि ऐसी दो संख्याओं के जोड़े जिनका मासा क्या हो, एक हो या जिनमें कुछ कॉमन ना हो एक के अलावा, वही सहभाज्य होती है। और मासा से दी गई संख्या को भाग देने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो भी आपस में सहभाज्य होती है। तो देखो यहाँ पे हमने 24 से भाग दे दिया यहाँ, 24 से भाग दे दिया यहाँ, 24 से भाग दे दिया यहाँ, तो अब ये दोनों आपस में ए भी क्या है, सहभाज्य हैं। मतलब ऐसी दो सहभाज्य संख्या है जिनका योगफल 20 आए। ऐसे ऐसे हमें जोड़े बनाने हैं तो ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, चलिए बनाते हैं, देखते हैं जोड़े कितने बनेंगे। जोड़े जोड़े देखते हैं कितना बनेगा। चलिए ऐसा दो जोड़ा एक तो 1 और 19 का बन जाएगा। भाई 19 और 1 20 होता है और इनमें आपस में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। चलिए एक 17 और 3 का हो जाएगा, मतलब 3 और 17 का, 17 और 3 का योगफल देखो, A का मान 1, B का मान 19, A का मान 3, B का मान 17, 17 3 का योगफल 20, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। और क्या क्या, 15 5 होगा नहीं, 16 4 होगा नहीं, 13 और 7 होगा, 13 और 7 होगा, मतलब 7 और 13 हो जाएगा, 7 और 13 का योगफल 20 और आपस में दोनों क्या हैं, सहभाज्य हैं। एक और है 9 और 11, बस अब इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब 1 2 3 4, तो कितने जोड़े आपको मिले, 4 जोड़े, ठीक है ना, 4 ऐसे जोड़े मिले। तो आपसे पूछा था ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो कितने जोड़े, 4 जोड़े हमने बना के देखा तो हमें 4 जोड़े मिले, तो हम कहेंगे ऐसे 4 जोड़े संभव हैं, ठीक है ना। तो हमारा 4 जोड़े क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन सवाल को देखो, कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 180 है, उनका मासा 15 है, तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, संख्याएं बताइए। देखो आइए देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 180 है, दो संख्या कोई x प्लस y है और इनका योगफल कितना है, 180 है, 15 इनका मासा है, तो मतलब 15 इसमें भी होगा, 15 a और ये हो जाएगा 15 b, कितना 15 b और यही बराबर 180। भाई अगर इनका दोनों का मासा 15 है, मतलब 15 गुणे a 15 गुणे b 15 दोनों में होगा, तो अब ये बताओ 15 से भाग दे देते हैं तो ये बचेगा a प्लस ये बचेगा b और यही बराबर 15 से भाग देंगे, कितनी बार में 15 के 15 और 15 दोनों 3 12 बार, मतलब a प्लस b जो बचा है भाग, हमने क्या कहा मासा से दी गई संख्याओं को भाग देने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे आपस में सहभाज्य होती हैं। तो यहाँ 15 इनका मासा था, इससे भाग दिए तो a भी प्राप्त हुआ, आपस में सहभाज्य है। मतलब 12 को ऐसे ऐसे रूप में तोड़ना है, कैसे कैसे ऐसे ऐसे रूप में 12 को हमें तोड़ना है कि इनमें कुछ कॉमन ना हो, कैसी संख्याएं आपस में सारी की सारी सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना, आपस में कैसी होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। आइए देखते हैं ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। सबसे पहले 12 का जोड़ा, एक तो जोड़े हम लोग देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन हमारा जोड़ा वाला पूछा गया था, तो एक तो 1 और 11 का बन जाएगा, 1 और 11 का बन जाएगा और 8 और 3 का बन जाएगा, 8 और 3 का बन जाएगा, सॉरी 8 3 का नहीं बनेगा, 7 5 का बनेगा, क्योंकि 12 लाना है ना। अच्छा ये बताओ और क्या कोई संख्या है, और तो नहीं है ना, यही है, इतना ही है, और तो नहीं है, तो इसमें हमारे कितने जोड़े बन रहे हैं, दो जोड़े, ठीक है ना, दो जोड़े बन रहे हैं। जोड़ों की संख्या कितनी आपका, दो जोड़ी। अभी हमें संख्याएं बताना था कि वे संख्याएं x और y का मान क्या था, x और y का मान क्या था। देखो एक तो इस यहां से एक मान आएगा और एक मान यहां से आएगा, तो देखो x और y का मान बताना था, यही x बराबर कितने के है, यही x बराबर है 15 a के और यही y बराबर है 15 b के। तो आप बताओ अगर हम संख्याएं बनाएंगे तो a का मान 1 है, b का मान कितना 11 है, यहाँ 15 a है 15 b है, तो 15 1 के कितना, इसी में 15 से गुणा कर दो, 1 15 और 15 1 ग्रहण कितना 165, एक तो 15 165 संख्या बन जाएगी और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, 15 सत्ते 105 और 15 पच्चीस 75, एक 105 और 75 बन जाएगा, ठीक है ना, 105 75 और 15 और 165 बन जाएगा, तो यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो संख्याएं बनेंगी
और ये इनका जोड़ा दिया गया। बात समझ में आई? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोला दो संख्याओं का गुणनफल 22,500 है, इनका माता 15 है, संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल है मतलब एक्स एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई है 22,500। अगर इनका माता 15 है तो ये 15 ए हो जाएगा एक्स, और गुणे वाई क्या हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, बराबर कितना 22,500। ठीक, अब ये 15 ही 225 से कितनी बार में कट गया, 100 बार में, तो ए गुणे बी, ए गुणे बी आपका क्या आ गया, बराबर 100 आ गया। अब ऐसे रूप में तोड़ना है, संख्याएं हमें बताना है, तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो आपका बन सकता है एक और 100 और एक, एक तो आपका बन सकता है संख्याएं, देखो हम बना रहे हैं संख्याएं, एक तो आपका 100 और एक का बन सकता है, 100 और एक का गुणा करने पर कितना, ठीक, और दूसरा आपका कितना बन सकता है, दूसरा आपका बन सकता है एक जोड़ा क्या आपका बन सकता है 25 और 4 का। ठीक, देखो हमने देखा कि हमारे दो जोड़े बन सकते हैं, एक 25 और 4 का, एक हमारा बन सकता है कितना, ये संख्या नहीं सॉरी ये जोड़ा था हमारा, जोड़ा एक 100 और एक का बन गया, 100 और एक का गुणा 100 और 25 और 4 का गुणा 100 और आपस में क्या है, सहभाज्य है। तो हमें संख्याएं बतानी थी, तो ये बताओ ए का मान 100 आया है, बी का मान एक, तो 15 से गुणा कर दो 1500 और कितना 15, एक तो संख्या आपकी हो जाएगी 1500 और एक आपका हो जाएगा 15। ठीक, और दूसरी आपकी संख्या क्या बन रही है यहाँ पे, 15 से 25 में गुणा करो, तो 25 × 5 = 125 12 और 15 × 25 और 15 × 75 = 5 7 और 15 × 2 = 37 375 और 15 × 4 = 60 375 और 60 बन जाएगा एक संख्या, और एक संख्या 1500 और 15 बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई ना? चलिए अब आगे सवाल पे आते हैं अगले, सवाल नंबर 13 देखो। अच्छा ये सवाल नंबर 13 अब अंतर वाला आ गया, इसको हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा सवाल है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।